हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए सुपर हेल्दी फूड शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इसे खाने के बाद आपके बेबी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके बेबी को आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। बेबी के लिए फूड बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो एक प्लेट में मैंने निकाल के रख ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक कटोरी में मैंने दो मीडियम साइज़ रवा ले लिया है, जिसे सूजी भी कहा जाता है। साथ ही में मैंने दो बादाम, हाफ अखरोट और एक बनाना ले लिया है। इस फूड को खाने से दोस्तों आपके बेबी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी बेबी की हड्डियाँ मजबूत होगी और आपके बेबी का मानसिक विकास बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कद्दूकस की सहायता से अखरोट और बादाम का मैं एक दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्सी ग्राइंडर में पीस भी सकते हो और जब ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अखरोट और बादाम का एक दरदरा सा पाउडर तैयार हो गया है। तो बस दोस्तों, इसी तरीके से आपको पाउडर तैयार करना है। अब दोस्तों, गैस की फ्लेम ऑन करते हुए मैंने गैस के ऊपर स्टीमर रख लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप आटा छानने वाली स्टील की छन्नी होती है उसमें भी स्टीम बनाना को कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बनाना है स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया है, इसे कम से कम 5 मिनट तक ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं जो केला है वो अच्छे से स्टीम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चाकू की सहायता से चेक कर रही हूँ, तो केला अच्छे से स्टीम हो चुका है। केले को 2 से 3 मिनट तक ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो केला है दोस्तों ठंडा हो चुका है, एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके छिलके निकाल के इसका एक गूदा तैयार कर लेंगे फटाफट से। तो आप इसे चम्मच की सहायता से, चाकू की सहायता से या फॉक की सहायता से आराम से इसका एक गूदा तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो ये केला है स्टीम हो चुका है। देरी ना करते हुए फटाफट से गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख लेते हैं, गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम अभी आपको लो ही रखनी है। इसमें एक मीडियम चम्मच साइज के बराबर देसी घी ऐड कर लीजिएगा। तो जो ये देसी घी है वो दोस्तों घर का बना देसी घी है। तो जब भी बेबी के लिए फूड बनाए तो देसी घी में ही बनाइएगा। इससे आपके बेबी को, आपकी बेबी की हड्डियाँ मजबूत होगी, आपके बेबी को प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अब इसमें जो 2 चम्मच के बराबर सूजी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मिक्स करते रहेंगे, करछी को चलाते रहेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। जिस तरीके से आप अपने लिए घर में सूजी भूनते हो उसी तरीके से इस सूजी को भी सेम वैसे ही भूनना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 1 मिनट लगभग हो चुका था और सूजी जो है ब्राउन हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको भूनना है। अब एक कटोरी में मैंने जो गूदा तैयार किया था केले का वो निकाल लिया था, अब इसमें ऐड कर लेंगे। इसको भी दोस्तों 30 सेकेंड तक लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, करछी चलाते रहनी है ताकि जो सूजी है, केला है, कढ़ाई में नीचे ना चिपके। तो इसी तरीके से आपको जो है 30 सेकंड तक करछी चलाते रहनी है और अच्छे से इसको भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो केला और सूजी है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से भून भी चुका है। इसके बाद इसमें हम अखरोट और बादाम का पाउडर ऐड कर लेंगे और 30 सेकंड तक आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो पाउडर है अच्छे से केले में और सूजी में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 30 सेकंड लगभग हो चुके हैं और जो पाउडर है अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक मीडियम साइज़ कटोरी के बराबर दूध ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों काऊ मिल्क है, तो आप जो बेबी को दूध देते हो वो इसमें ऐड कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, बेबी के लिए बहुत ही हेल्दी सुपर फूड बनकर तैयार हो रहा है, क्योंकि केले में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। केले को नियमित रूप से खिलाने से आपके बेबी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है और साथ ही साथ एनीमिया यानी रक्त की कमी समस्या को दूर करने में भी बहुत ही हेल्प मिलती है। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है तो आप इस फूड को सप्ताह में 2 से 3 बार खिलाएंगे तो आपके बेबी का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।
अगर आपका बेबी 8 महीने से ऊपर हो चुका है तो इस फूड को आप अपने बेबी को आसानी से दे सकते हो। तो 1 मिनट लगभग हो चुका है दोस्तों, फूड भी जो है बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख रहे होंगे कितने कम समय में बेबी के लिए एक सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हुआ है। और यह फूड दोस्तों बेबी को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही चाव से इसे खाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्विंग बाउल में मैंने फूड को निकाल लिया है। तो बस दोस्तों अब अपने बेबी को मैं खिलाना स्टार्ट करती हूँ। इसी तरीके से आप अपने बेबी के लिए फूड बनाएंगे तो आपका बेबी खुशी खुशी खाएगा और आपके बेबी को 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। अब बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फूड को आप अपने बेबी को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बनाकर दे सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।